दोस्तों, भारत को मसालों की धरती कहा जाता है। भारतीय किचन में आपको कई तरह के मसाले मिलेंगे और ये सभी मसाले सिर्फ भोजन का स्वाद ही नहीं बढ़ाते बल्कि स्वास्थ्य को भी कई लाभ पहुंचाते हैं। और इन्हीं मसालों में से एक है जायफल। जायफल सिर्फ एक मसाला ही नहीं है, मसाले से बहुत अधिक है जो भोजन के स्वाद और गंध को बढ़ाता है। इसका इस्तेमाल व्यंजनों में कम से कम किया जाता है। इसमें पोषण मूल्य भी बहुत अधिक हैं और ये कई बीमारियों को दूर करने में मदद करता है। आपकी रसोई में मौजूद जायफल आपके इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इसके फ़ायदों के बारे में। दोस्तों, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए एक कप गर्म दूध, आधा चम्मच शहद और पिसी हुई इलायची और दो चुटकी जायफल पाउडर, इसको मिलाकर आपने घोल लेना है और इसको पिए। इससे न केवल आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी बल्कि आपको रात को नींद भी अच्छी आएगी। जायफल तेल में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। इसका इस्तेमाल कई टूथपेस्ट में किया जाता है। ये मुंह से बदबू पैदा करने वाले बैक्टीरिया को ख़त्म करने में मदद करता है। इससे मसूड़ों की सूजन और दांतों में होने वाले दर्द से भी राहत मिलती है। और जिन लोगों को रात में नींद ना आने की परेशानी है, वह रोज़ाना जायफल की एक छोटी सी खुराक ले सकते हैं। ऐसे लोगों के लिए जायफल काफ़ी बेहतर साबित होता है। ऐसे लोगों को लंबे समय तक इसका हर रोज़ सेवन करना होगा, इसलिए सोने से पहले एक गिलास दूध के साथ एक चुटकी जायफल का सेवन ज़रूर करें। जायफल तेल का इस्तेमाल दवाओं और कॉस्मेटिक चीज़ों के लिए किया जाता है। आयुर्वेद में इसका काफ़ी महत्व है। इसके कई सारे पोषक तत्व होते हैं। जायफल में फाइबर, थियामिन, विटामिन B6, फोलेट, कॉपर और मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं और ये कई स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करने में इसके तेल से आप मदद ले सकते हैं। दोस्तों, जायफल एक तरह का गर्म मसाला है। इसके अलावा आपको बता दें कि जायफल एक प्रकार का देसी व्याग्रा की तरह काम करता है। ऐसे में खाने में इसका इस्तेमाल करने से आपको काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है, लेकिन इसका सेवन बहुत कम मात्रा में करना चाहिए। जायफल के सेवन से लोगों की सेक्स ड्राइव भी सही रहती है और इसे खाने से लिबिडो बढ़ता है और फर्टिलिटी में सहयोग होता है। जायफल में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं और ये ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखते हैं। इसमें सबिनिन, टेरिपिनोल और पिनिन शामिल है जो शरीर में होने वाली पुरानी सूजन, दिल से संबंधित रोग, मधुमेह और गठिया से राहत दिलाने में कारगर हैं। दांत के दर्द में जायफल का सेवन किया जाता है। जायफल के सेवन से दांत के दर्द की भी खत्म कर सकते हैं। काढ़े में जायफल को शहद मिलाकर पीने से दांत और मसूड़ों की समस्या से राहत मिलती है। दूसरा, जायफल का नियमित सेवन रक्त में लिपिड और लिपोप्रोटीन को कम करने के लिए जाना जाता है। आसान शब्दों में कहें तो जायफल कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करता है। दोस्तों, हालांकि इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि इसका सेवन ज़्यादा मात्रा में ना करें। जायफल की तासीर गर्म होती है। इसका अधिक सेवन से आपके शरीर को नुकसान पहुंच सकता है। इससे आँख में जलन, सिर दर्द, चक्कर आना, त्वचा में लाल चकत्ते, मुंह सूखना आदि की समस्या हो सकती है। इसलिए इसका जो इस्तेमाल करना है अपने सीमित मात्रा में ही करना है। जायफल आपकी स्किन के लिए बहुत लाभकारी है। ये आपके चेहरे को बेदाग और चमकदार बनाता है। इसके लिए थोड़ी सी मात्रा में जायफल लेकर उसे दूध में घिस लें, फिर चेहरे पर मास्क के रूप में लगाएं। इससे चेहरे के मुहासे दूर हो जाते हैं, साथ ही चेहरे पर नेचुरल ग्लो भी आता है। जायफल और दूध के सेवन से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को कम करने में मदद मिलती है। इसके लिए दूध में जायफल घिसकर मिक्स करें, फिर रात में सोने से पहले से पी लें। इससे आपको काफ़ी हद तक आराम मिल जाएगा। जायफल में पर्याप्त मात्रा में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण मौजूद होते हैं। इसके सेवन से जोड़ों और मांसपेशियों के दर्द और सूजन को कम करते हैं। इसके अलावा यह गठिया में भी बेहद कारगर साबित होता है। तो दोस्तों, ये थी जायफल के बारे में जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकॉन को जरूर दबा देना ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। Subscribers, thanks for the care.